इमाम हसन मुश्तबा फरमाते, मेरी माँ सारी सारी रात खड़े होके कयाम कर, रुकू और सुजूद में सारी रात गुजार रही, तिलावत कुरान में शब रोज गुजर रहे, अहो फगाम है, रोती रहती। फरमाते एक रात में जागा, मैंने देखा कि मेरी माँ क्या मांगती है। कहा मेरी माँ ने सारी रात इशा के बाद से लेकर अजान फजर तक अपने हाथों को उठाया और एक ही दुआ की, मौला मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को बख्श दे। नबी की उम्मत को बख्श दे, नबी की उम्मत को बख्श दे, नबी की उम्मत को बख्श दे। अपने बेटों के लिए दुआ नहीं की है, मुस्तफा के गुलामों तुम्हारे लिए दुआ की है। क्या सुबह हुई, इमाम हसन कहते, मैंने कहा माँ सारी रात गुजर गई और उम्मत के लिए दुआ मांगती रही, एक दुआ तो अपने लिए भी कर लेती, एक दुआ तो अपने लिए, कौन है जो अपने लिए दुआ ना करे, बोलो तो सही, कोई है? लोग तो इतने बखील हैं, उनको कहा जाए यार दुआ उसके लिए करो, नहीं करते, कहते कहते कबूल ना हो जाए, बुखल का ये आलम है। अल्लाह के नेक बंदो फरमाए, जब तुम किसी मुसलमान के लिए दुआ करते हो ना, अल्लाह उसके हक में बाद में कबूल करता है, पहले तुम्हारे हक में कबूल फरमा लेता है। तो बुखल ना कीती करो, लोगों वास्ते दुआ कीती करो, जो चीज की तुहानू जरूरत हो वे ना, तुसे दूसरा वास्ते मंगो, दूसरा वास्ते मंगो, समझ आई? अल्लाह वो चीज आपको अता फरमा देगा। मेरे लजपाल करीम, मेरे बादशाह, मेरे करीम इमाम हसन मुश्तबा ने कहा माँ सारी रात नबी की उम्मत के लिए, वो एक दुआ तो अपने लिए भी कर लेती। सैयदा खातून ने जन्नत फरमाने लगी, बेटा पहले नबी की उम्मत के लिए तो दुआ कर लो ना, उससे फुर्सत मिले तो अपने लिए मांगो ना। ये सैयदा कायनात हैं, ये सैयदा कायनात हैं, जिसको देख के नबियों का ताजदार खड़ा हो जाता है। सैयदा आती मुस्तफा जान रहमत अपनी नशिस्त खड़े हो जाया करते थे, ये नहीं कि सैयदा कायनात का मकाम नबी से बढ़ के है, नहीं ये मतलब नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि बड़े को देख कर ही बंदा खड़ा हो, बड़ों के लिए भी खड़ा हुआ जाता है, छोटों के लिए भी खड़ा हुआ जाता है। कुछ इसलिए खड़ा होता है कि बंदा उसका अदब कर रहा होता है, एहतराम और इज्जत के लिए, और बाज़ औक़ात इंसान खड़ा होता है शफकत और मोहब्बत और प्यार के लिए। क्या बात है, क्या अकीदा, हम वो लोग नहीं ना, हम वो लोग नहीं जो अहले बैत को नबी से बढ़ा दें। मैंने शुरू में कहा जिसको जो मिला नबी के दर से मिला है। नबी खड़े जरूर हुए लेकिन मोहब्बत में, शफकत में, और हमें बताने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें बताने के लिए।